वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। पिछले वीडियो में हमने देखा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल के बारे में देखा कि टाइप्स ऑफ सेल कैसी होती हैं, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, और आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इतनी चीज़ों के बारे में बताया था। तो ज़्यादा कम समय में मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देनी हैं, ठीक है। तो छोटे शॉर्ट टाइम में मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आप देखते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कौन से, राइबोसोम, लाइजोसोम्स, इंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, SER, RER, ये जितने भी आप नाम सुन रहे थे ना, ये कौन है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटे इंटरनल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। तो उन्हीं के फंक्शंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनके कुछ फंक्शंस होंगे और उनके जैसे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑफ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल, उसके बाद व्हाई, क्यों इनको ऐसा कहा जाता है। कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज भी मिलेंगी जिसको हम लोग कहते हैं, टर्म दिया गया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। पर कभी आपने ये सोचा क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल, क्यों कहा जाता है। आप जानते तो हैं हम सब कुछ, लेकिन ऐसा क्यों है, ठीक है, क्यों है, वो क्यों आज आपको पता चलेगा। थोड़ा मैं बताऊंगी, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो चीज़ों को या इन जो सर्च हैं या रिसर्च है, क्योंकि रिसर्च और सर्च ये दोनों किस में होता है, साइंस में होता है, जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक आपको साइंस इंटरेस्टेड नहीं लगेगी, ना आपका इंटरेस्ट इसमें आएगा। तो थोड़ी हेल्प, थोड़ी मेहनत मैं करूँगी, थोड़ी आप करिएगा, इससे आपका, आपकी भी पढ़ाई होती रहेगी और मेरा यहाँ पे पढ़ाना भी होता रहेगा, ठीक है। तो आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस, जिसपे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स होते कहाँ हैं, मैम सेल के अंदर, सेल के अंदर कहाँ, ठीक है। जैसे कोई इंसान है घर के अंदर, तो घर के अंदर पेट्रोल कहाँ, किसी को जल्दी है तो ढूंढता है ना कौन से रूम में है। अब 108 कमरे हैं घर में, तो बताना तो पड़ेगा नीचे वाले फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर पे कहाँ पे हैं। तो आज वो पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर फ्लूड होता है ना साइटोप्लाज्म, उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। इससे पहला यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। जैसे कभी कभी आपका पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक हैं, लेकिन एक नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आइए आज मैं आपको बता देती हूँ। पिछले वीडियो में या मैंने अपने पहले वीडियो में जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी आपको बताया था कि साइटो जो शब्द है ये लैटिन है, कौन सा शब्द है, लैटिन वर्ड, ठीक। ये जो साइटो बायोलॉजिकल शब्द जो है ये साइटो है, लैटिन वर्ड आपका सेल है, ठीक। लैटिन वर्ड क्या है हमारा, सेल, जो रॉबर्ट हुक ने डिराइव करके हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर सेल बताया था, स्मॉल रूम्स का इसका मतलब होता है, ठीक है। तो साइटो का मतलब होता है स्पेसिफिक सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, लिविंग फ्लूड ऑफ द सेल या लिविंग लिक्विड ऑफ द सेल को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या है हमारे, लिविंग फ्लूड ऑफ द सेल, ठीक। साइटोसोल क्या होता है, क्योंकि शब्द तो दोनों सेम है तो क्या दोनों चीजें एक है, नहीं, ये हमारा एक्वस फ्लूड होता है, एक्वस फ्लूड ऑफ द सेल। तो मैम डिफरेंस क्या है, ये लिविंग फ्लूड ऑफ द सेल का मतलब है पानी, जैसे चाय उबल रही है तो भी वो चाय है, और चाय छन के कप में आ गई तो भी वो चाय है। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, क्या दोनों में कोई डिफरेंस था, हाँ बिल्कुल था। कप में जो चाय आई वो प्योर फिल्टर्ड टी थी, उसमें कोई भी टी लीव्स नहीं थी, ठीक। पर जो चाय बन रही थी उसमें टी लीव्स थी, तो उनको हमें फिल्टर करना पड़ा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जो साइटोप्लाज्म होता है ये लिक्विड होता है सेल के अंदर का, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। तो लिक्विड विथ सेल ऑर्गेनेल्स को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। और जब उस लिक्विड में से सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हटा दिया जाए, फिल्टर कर दिया जाए, सिर्फ एक्वस कंपोनेंट बचे, सिर्फ लिक्विड लिक्विड बचे, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हैं, और कोई नहीं पूछता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन इनके, इनके क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस एंड विच हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। मैम समझ में नहीं आया, बताते हैं। सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं,
स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा सा आप घर देखते हैं या बड़ा सा आप कोई भी पैलेस देखते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उनका अपना एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि एक रूम हर सारे रूम एक ही जैसे हों, कुछ के डिज़ाइन छोटे, कुछ रूम उसमें छोटे होते हैं, कुछ बड़े हॉल की तरह होते हैं, ठीक है। तो सबके डिज़ाइन उसी तरह से, सबका फंक्शन भी अलग होता है। ड्राइंग रूम का फंक्शन अलग है, मतलब ड्राइंग रूम में क्या होता है, किचन में खाना बनता है, बेडरूम हमारा अलग होता है, ठीक, वॉशरूम्स अलग होते हैं, सबका फंक्शन अलग होता है। वैसे यहाँ भी इंटरनल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, और इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल विच हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज टर्म्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे। एक शब्द इसमें और जोड़ लीजिएगा, लिविंग, इंटरनल लिविंग ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑफ द सेल विच हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन आर टर्म्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। इनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये आपकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन ये आपको पता चल गया होगा कि इंटरनल लिविंग ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल विच हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन अटम्ड है सेल ऑर्गेनेल्स, उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स होते कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड फोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सटेंडेड फोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी बताया था कि दो तरह के होते हैं, SER और RER, ठीक। SER दो तरह के कैसे होते हैं, अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जिनका सरफेस स्मूथ होता है, स्मूथ कैसे होगा, जब उस पर कोई भी कंकड़ पत्थर ना पड़े, मतलब राइबोसोम अटैचमेंट ना हो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम आर टर्म्ड एज, ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे पत्थर हैं जो रोड पे पड़े होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम या, ठीक है, उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ठीक। तो ये ER प्लस राइबोसोम, ठीक ये हमारा हो गया ER और प्लस राइबोसोम। जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, वैसे तो इसका फुल फॉर्म जो होता है हमारा, इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है वो ये होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद करें तो आप देख सकते हैं ये R प्लस ER इज इक्वल टू R होता है, RER होता है। R का मतलब यहाँ पे राइबोसोम, ठीक, और प्लस ER यानी कि ऐसा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगा हो वो RER, और SER में क्या होगा, स्मूथ। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम ना लगा हो उसको हम कहते हैं SER। ये याद करने की थोड़ी सी टेक्निक है। SER का वैसे फुल फॉर्म आप जान लीजिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है हमारा वो, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, तो विदाउट राइबोसोम ये होता है, राइबोसोम नहीं होता तभी तो स्मूथ होते हैं। ER की डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो ER की जो डेफिनेशन होती है वो हमारी होती है, आपको पहले ही बताया था कि एक्सटेंडेड फोल्डेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बढ़ा दीजिए, उसको फोल्ड कर दीजिए, वही आपका क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब अगर RER की बात करें तो विथ राइबोसोम लिख लीजिएगा, और अगर SER को डिफाइन करना है तो विदाउट राइबोसोम आगे लगा दीजिएगा, आपकी सिंपल डेफिनेशन तैयार है।
मैम इन लोग का काम क्या क्या होता है? काम ये होता है इनका कि आर ई आर का जो फंक्शन होता है, ये हम देखते हैं, आर ई आर का फंक्शन होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। क्यों? राइबोसोम अटैच है ना, राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना। क्योंकि ये सी आर के पास राइबोसोम है तो ये क्या काम करेगा? आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, एस सी आर। ठीक, ये करता है लिपिड सिंथेसिस। ठीक, ये क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड, स्टेरॉयड। ठीक है, ये सब कौन बनाता है? ये SCR ही बनाता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वो ये पूछ सकते हैं, विच ऑर्गेनेल्स हेल्प्स इन द लिपिड सिंथेसिस, आपको बताना रहेगा SCR, विच सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, तब आप राइबोसोम लिखेंगे। ठीक है, तब आप क्या लिखेंगे? राइबोसोम लिखेंगे। और अगर पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स या विच ई आर हेल्प्स इन द प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, तो आप लिखेंगे आर ई आर। क्या लिखेंगे? आर ई आर। ठीक, ये हो गया हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके फंक्शंस हमारे तैयार हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्गी बॉडी। दूसरा क्या है आपका? गोल्गी बॉडी। चाहे तो आप ये नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा गोल्गी बॉडी। आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा? ये है हमारा गोल्गी बॉडी, सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी चल रहा है। यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सटेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अटैम्ब्रेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ये पार्ट है, ये जब डिटैच हो जाता है इंडोप्लाज्म रेटिकुलम से और एक स्पेसिफिक अलग एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। ये जब अलग हो करके एक अलग सेल ऑर्गेनेल की तरह बिहेव करने लगता है तो इसी को हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। लेकिन ये बना किससे? अगर कोई कहता है कि किससे बना, तो इसको हम कहेंगे कि फॉर्म्ड बाई, या इसका सिंथेसिस फॉर्मेशन किसने किया? इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो अगर कहते हैं कि फॉर्मेशन कौन करता है, पूछेगा आपसे कि विच सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, तो आएगा इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। कौन आएगा? इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका इंडोप्लाज्म रेटिकुलम बनता है, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम से आपका गोल्गी बॉडी बनता है। तो फॉर्म्ड बाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला पॉइंट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का पॉइंट। इनको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि सिस्टर ने ठीक है, सिस्टर ने लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड पैरेलली ठीक है, अरेंज अरेंज पैरेलली विद ईच अदर आर टर्म्ड एज गोल्गी बॉडी। ठीक, ऐसा क्यों कहा गया? ये कुछ आप देखेंगे पैरेलली, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं जो एक दूसरे के एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है, और एकदम स्ट्रेट लाइन पे रहती हैं। ठीक, तो ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं, मतलब एक के बाद एक ये लाइन से अरेंज होते हैं। सिस्टर्नी लाइक इसके मतलब ट्यूबुलर फॉर्म में होता है ना, उसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। अब जब आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको ट्रांस और सिस फेज मिलेगा। ट्रांस सिस नाम क्या? कुछ ऐसे गोल्गी बॉडी होते हैं तो उनका नाम रखा जाता है, ये फेज का नाम अलग, एक का नाम ट्रांस, एक का नाम सिस। तो सिस सिस्टर्नी और ट्रांस सिस्टर्नी है, तब आपको यहाँ पे और ज़्यादा, तो अभी आपके कोर्स में नहीं है, अभी आप सिर्फ इतना जाने कि सिस्टर्नल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, किससे बनता है? ईआर से बनता है। अब इसके बाद में फंक्शंस पे आ जाते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। किसी भी फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है, उनके पैकेट्स बनाने पड़ते हैं, पैकेजिंग करनी पड़ती है। मटेरियल बनाना अलग बात है, यानी कि फॉर्मेशन कोई कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन करने से सब कुछ होता चला जाएगा? नहीं, ठीक है, उसको आपको पार्सल करना पड़ेगा, वरना बनाए आपने बहुत, कुछ दिन के बाद वो चीज़ें डैमेज या फिर ख़राब हो जाएंगी, स्पॉइल हो जाएंगी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उनकी पैकेजिंग,
पहला होता है आपका फॉर्मेशन। सबसे पहला जो काम होता है किसी भी चीज़ के लिए वो आपका होता है सिंथेसिस। ठीक है, पहला जो आपका काम होता है वो होता है सिंथेसिस। दूसरा काम होता है पैकेजिंग और तीसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल का सिंथेसिस, जैसे कि आपने कुछ मटेरियल देख लिए, प्रोटीन सिंथेसिस देख लिया आपने, क्या कहते हैं, राइबोसोम का सिंथेसिस देख लिया, उनको कोई पैकेट्स बनाने वाला भी तो होना चाहिए। इसका बेसिक काम होता है पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल का, इसका बेसिक काम होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक, कौन से पैकेट्स, प्रोटीन बनाए हैं उसके पैकेट्स बनाएगा कौन, गोल्गी बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन भी यही करता है, एक जगह से दूसरे कौन भेजेगा, गोल्गी बॉडी, इंटरनल आउटसाइड दोनों कौन भेजता है, ये। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल, ठीक, ये हमारे गोल्गी बॉडी के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है लाइजोसोम पराग्जिसोम। ये जो आप गोल्गी बॉडी देख रहे हैं ये और स्प्लिट होता है दो मेम्ब्रेन लाइक लो, दो टाइनी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर या टीनी टाइनी ग्रेन्यूल, जैसे छोटे छोटे बॉल्स देखते हैं कुछ उसी तरह के स्ट्रक्चर, जब ये टूटते हैं तो बनाते हैं। एक में रहता है आपका एक में आपका रहता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम है तो ये काम करता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, एक के अंदर रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इसलिए ये काम करता है डाइजेशन का। जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं उसको हम बोलते हैं पर ऑक्सीसोम, जैसा काम वैसा नाम। और जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको हम कहते हैं लाइजोसोम्स। ठीक, लाइजोसोम्स को हम लोग डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल कहते हैं, जस्ट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और सेल का जो डाइजेशन होता है किसी मटेरियल का वो कौन करता है, लाइजोसोम करता है। इसमें से आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताएंगे कि वाई द नेम पराग्जिसोम इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। दिस इज द टारगेट क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज, सो कमेंट इन द इनबॉक्स मैसेज एंड द करेक्ट आंसर विल बी गिवन टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही, इतना आप तैयार करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू सो मच।